जाने माने पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को हत्या कर दी गई। खबरों के मुताबिक कथित तौर पर इस हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड ने ली है। इसके बाद एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। इसमें गोल्डी बराड नाम के एक व्यक्ति की ये पोस्ट है जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिख रहे हैं। इसे शेयर करते हुए गोल्डी बराड और भगवंत मान के बीच कनेक्शन दिखाने की कोशिश की गई है। आरएसएस की मुख पत्रिका ऑर्गेनाइजर के पत्रकार निशांत आजाद ने ये तस्वीर ट्वीट की। ट्वीट में लिखा कि कनाडा के गोल्डी बराड ने सिद्धू मूसेवाला पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। जी न्यूज के पत्रकार अनुभव शाक्या ने ये तस्वीर ट्वीट की और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को भी टैग किया। कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा सहित कई भाजपा समर्थकों ने ये तस्वीर इसी दावे के साथ पोस्ट की। तो क्या वाकई में भगवंत मान के साथ खड़ा ये व्यक्ति वही है जिसने कथित तौर पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली? इस मामले की तह तक जाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने फेसबुक पोस्ट में दिख रहे इस गोल्डी बराड नाम के व्यक्ति की प्रोफाइल चेक की। इस व्यक्ति ने 10 मार्च को ये तस्वीर पोस्ट करते हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर भगवंत मान को बधाई दी थी। गोल्डी ने अपनी तस्वीर वायरल होने पर ये बयान दिया। गोल्डी बराड है, जिले जांडवाला, तहसील जलालाबाद, जिला फाजिलका का मैं रहने वाला हाँ। आज जो कि सिद्धू मूसेवाले से कोई घटना हुई है, गोलियां चली हैं, बहुत दुखदाई घटना है। तो मेरिया कुछ शरारती आंसर सीएम साहब ना फोटो पा रहे ने, मेरा नाम गोल्डी बराड है। तो एक मैं प्रशासन तो मंग करदा कृपया करके इन्हों शरारती आंसर खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। इस शख्स ने ऑल्ट न्यूज से हुई बातचीत में बताया कि उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने हमें सबूत के तौर पर अपने आधार कार्ड की तस्वीर भी भेजी जिसमें उनके पिता का नाम रजिंदर सिंह लिखा है। अब बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला की हत्या की कथित तौर पर जिम्मेदारी लेने वाले गोल्डी बराड की। दिल्ली पुलिस की प्रेस रिलीज में गोल्डी बराड का पूरा नाम सत्येंद्र जीत सिंह बताया गया है। वहीं उसके पिता का नाम शमशेर सिंह है। कुल मिलाकर भगवंत मान के साथ दिख रही ये शख्स और कथित तौर पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले कुख्यात गैंगस्टर अलग अलग है, लेकिन नाम एक जैसा होने की वजह से सोशल मीडिया पर कई लोगों को ये गलतफहमी हो गई और एक अन्य गोल्डी बराड को हत्या का आरोपी बताकर भगवंत मान पर निशाना साधा गया।